हेलो फ्रेंड्स, गौरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे केले के छिलके की चटनी, जो बिहार और बंगाल का फेमस रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनता है। इसके साथ आप आलू पराठा या पूरी या रोटी या चावल के साथ आप खा सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कच्चे केले के छिलके की चटनी बनाना शुरू करते हैं। कच्चे केले की चटनी बनाने के लिए मैंने 2 केला ली हूँ, 3 हरी मिर्ची ली हूँ, 5 से 6 कली ली हूँ लहसुन का। अब हम इसको दोनों साइड से एक पार्ट निकाल देंगे और इसका छिलका निकालेंगे, और जो वाइट पार्ट है वो कोई भी आप सब्जी बना दीजिए, चाहे चिप्स बना दीजिए, चाहे पुख्ता बना दीजिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं छिलका निकाल ली हूँ, आप ऊपर के और नीचे के पार्ट निकाल दीजिए। देखिए, मैं निकाल के सब रख ली हूँ। अब इसको हम कट करेंगे ऐसे। बड़े बड़े कट कर देंगे। अब हम इसको पैन में डालेंगे, उबालेंगे इसको। अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी को गर्म होने देंगे। देखिए, पानी गर्म हो गया है। अब हम 1 केला का छिलका डाल देंगे और इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक हम उबालेंगे और बीच बीच में चेक करेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है। ऐसे आप कलछे से ऐसा करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि केला के छिलका हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा सा और पकेगा, अभी 2 मिनट के लिए और हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और फिर से हम ढक देंगे। देखिए, 2 मिनट हो गया है। अब ऐसे हम लेंगे और 1 स्पून से ऐसा इसको चेक करेंगे। देख रहे हैं, टूट रहा है, ये अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें डाल देंगे और इस पानी को फेंक देंगे और इसको 5 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे, फिर हम पीसेंगे। देखिए, हमारा केले के छिलका ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, अब उसमें हम डाल देंगे। इसमें मिर्ची भी डाल देंगे तोड़ के, छोटा छोटा पार्ट, और लहसुन की कलियां भी डाल देंगे और 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे इसमें, नॉर्मल पानी, और इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इतना बारीक हमें पेस्ट बनाना है। मैंने पीसते वक्त 4 टेबलस्पून और पानी डाली थी, ऐसा पेस्ट बनाना है। अब गैस पे हम पैन रखेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। पैन गरम हो गया है, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम राई का तेल डालेंगे। जो आप तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन राई के तेल से बहुत ही अच्छा चटनी बनता है। देखिए, तेल गरम हो गया है, धुआं आने लगा है। अब इसमें हम 1 लाल मिर्ची डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कलौंजी डालेंगे। देखिए, कलौंजी भी चटकने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जो चटनी पीसे थे ना वो हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून।
अपने स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे। लीड लगा देंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटा लेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है और इसका कच्चापन भी निकल गया है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। जो हम कच्चे केले के छिलका फेंक देते हैं उसका चटनी देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टिंग बनता है। अब गैस को बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। इतना गाढ़ा रहेगा आप देख सकते हैं। ये लीजिए हेल्दी यमी कच्चे केले की छिलके की चटनी तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग बनी है। कोई भी नहीं बोल पाएगा कि कच्चे केले के छिलके से बनी है। सच मानिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।